नमस्कार, एनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। मोहल्ला कालीबाग में समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव राकेश ठाकुर व महावीर प्रजापति को बनाए जाने पर सभ्यता समाज द्वारा सम्मान समारोह किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में समाज के लोग की भागीदारी देखने को मिली। देखिए हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राकेश ठाकुर व हरबीर प्रजापति को बनाए जाने पर सभ्यता समाज मैनपुरी द्वारा हरशंकर अध्यापक के आवास मोहल्ला गाड़ीवान मैनपुरी में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। राकेश ठाकुर ने बताया कि हमको माननीय अखिलेश द्वारा जो पद दिया गया है हम उसे भली बात निभाएंगे और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की जीत होगी। हरबीर प्रजापति ने कहा, सविता समाज को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए सदैव अग्रणी रहूंगा। ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि आज हम लोगों के एकता की भावना और समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता से हम सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। आज यहाँ पर जो सविता समाज द्वारा सम्मान समारोह किया गया, किस उपलक्ष्य में किया गया सर? आज जो सविता समाज द्वारा सम्मान समारोह किया गया है, ये भाई राकेश ठाकुर और मुझे हरवीर सिंह प्रजापति को समाजवादी पार्टी द्वारा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव पर मनोनीत किया गया है। इसलिए आज सविता समाज द्वारा हम लोगों का सम्मान समारोह रखा हुआ है। आज जो सविता समाज द्वारा सम्मान समारोह किया गया, इस किस बात को लेकर क्यों किया गया? सविता समाज द्वारा सम्मान किया गया, सविता समाज से ही निकल कर समाजवादी पार्टी में मेरा प्रवेश हुआ था। धीरे धीरे समय चलते हमारा प्रमोशन होता रहा। मैं जिला सचिव की मेन बॉडी में रहा, फिर प्रदेश कार्यकारी की पिछड़ा घोष में आया, उत्तर प्रदेश का कार्यकारी सदस्य बनाया गया। अभी इसी 18 तारीख को बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी दी है कि पिछावर प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव। अच्छा, इसमें समाज के लिए क्या कर सकते हैं? मैं समाज के लिए ही हूँ, समाजवादी पार्टी जरूर, पहले समाज के लिए फिर समाजवादी पार्टी के लिए हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश का सविता समाज समाजवादी पार्टी के लिए काम करे। थैंक यू।